हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे हो. आप मुझे देख के सोच रहे होगे कि ऐसी क्यों बात कर रही है, मीन्स ऐसी क्यों बनी हुई है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, बट मैं जैसे ही डांस करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे को चक्कर आने लगता है. और जो मुझे प्यार करते हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को मुझे देखना अच्छा लगता है. और जब आप मेरी वीडियोस में कमेंट्स करते हो, मेरी वीडियो को लाइक करते हो, तो मुझे जितनी खुशी मिलती है वो मेरे लिए सब कुछ है. तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ. मैंने अभी अपनी ड्रेस पहन ली है. अभी भी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से डांस कर लूँ. और मैं अभी मिरर के पास में रेडी हो रही हूँ. और यहाँ पे मेरा मेकअप का कुछ सामान, वो पुराना ही, जो मतलब पहले जब मैं तैयार होती थी घर पे, वो वाला. और कुछ सामान मैंने वहाँ पे रखा हुआ है जो मैं देहरादून से लेकर आई थी. वो देखिए, वो चूड़ी कंगन जो भी है वो सब वहाँ पे रखे हुए हैं. तो मैं अभी रेडी होती हूँ दोस्तों. गर्ल्स मुझे देखती हैं, उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ. अगर आप कभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तो उसमें एक्सप्रेशंस ज़रूर देना. डांस वीडियो जब भी आप बनाते हो तो एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, जिसकी वजह से कि जो हमारा वीडियो होता है वो अट्रैक्टिव लगता है. तो उसमें से निकल ही रहा है कि नहीं, तो आप उसमें एक्सप्रेशंस ज़रूर देना. एंड आई नो आप बहुत अच्छे डांसर होंगे, तो आप ये अच्छे से कर सकते हो. बीच में मेरे चीक्स इतने ज़्यादा सही हो गए थे कि मुझे ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, बट अब बहुत ज़्यादा एकदम, तो अभी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुके हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. और आप देख सकते हो मेरे लिप्स भी एकदम वो हो गए हैं, फट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड है और मुझे सच में इतनी ठंड नहीं झेली जा रही है. अचानक से मैं गर्म इलाके से ठंडे इलाके में आई हूँ, तो मुझे एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है. तो आप मुझे बताइए कि कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगेगी इसमें, रेड या फिर ये वाली? देखो मैं ये वाली तो अक्सर लगाती रहती हूँ. तो कौन सी अच्छी लगेगी, अपनी बहन वीडियोग्राफर से पूछती हूँ कौन सी अच्छी लगेगी. तो हम लोग बता कौन सी, मुँह से बोलना पड़ता है. अच्छा ठीक है, नहीं शर्मा रही है वो रेड वाली. तो आपको सच बताऊँ तो मैंने अभी तक हेयर कॉम भी नहीं करे हैं. देखो आप देख सकते हो ब्लास्ट है ये आइस. अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाई तो, बट मैं इस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत सच में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं डांस कर पाऊँगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट. मेरी बहन जो बहुत अच्छी वीडियोग्राफर है, अभी मैंने अपने भाई को भी अप्रोच किया कि वो मेरी वीडियो बना दे, लेट्स सी वो क्या करता है. आई थिंक लग गया है. कहाँ चले काम लोग? नहीं नहीं बाजरे दा सिट्टा वैसा तले ते मरोड़िया रठे रठना जादा मैया बाजरे दा सिट्टा. ऐसी पहले अजीब सी बन के आती हैं गर्ल्स, और उसके बाद नहीं सुंदर सी बन जाती हैं. दोस्तों मैं भी चाहती हूँ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाना. क्या आप में से किसी को ऐसे टाइप की वीडियो बनानी आती है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. ओके और किसकी ज़रूरत है? हाँ है, इयररिंग्स, वो बाद में, तो पहले हेयर कॉम करना है. जब हमारी तबीयत ख़राब होती है दोस्तों, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम लोग उसे बाल बनाते हैं, हेयर कॉम करते हैं, तो हमें पेन होता है, और वही पेन मुझे भी हो रहा है. इतना ढेर नसों भी हो रहा है मम्मी, थोड़ा निकाल के थोड़ा टाइट करना पड़ेगा. उनको मैं बताती हूँ कैसे करना है. ये मैंने टिप लगाई, ये है मेरा डब्बा. कौन सी इयर रिंग्स अच्छी लगेंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है.
मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहनी है, ये अच्छी भी लगेगी। मम्मी मुझे भी दो दो ना। थैंक यू। देखो मेरी बहन भी मांग रही है। अरे भागी दो के पास, इसके पीछे पीछे जाते हैं। अरे उसका पीछे कर, यार ये रोज खो जाता है, कहीं नहीं दिखता। हीरा हीरा पीछू कहाँ वाला है? क्यों भाग रहा है इतना? क्या हो गया तेरे को? मार लूंगा मैं तेरे को। देखो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो दोस्तों, मेरी दीदी का चैनल सब्सक्राइब कर दो। बोलो बोलो, पूछो उनसे कैसा लगता है दीदी को देखना। पूछ 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 बिल्लू। नहीं बोल रहे। बोलो बोलो। मेरी शर्माहट है। चलो इसको वहां पे लेके चलते हैं दादी के पास। आ जाओ दोस्तों। वो बड़ा बहुत 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 दादी बिना और बोलते हैं डांस रोज देखना। हम तो बहुत डांस देखना बहुत सुपर देखा मैंने। हां देखा आज दादी। हां कैसे हो आप? अच्छी हूं। अच्छा जब मैं बाहर थी तो आप मेरी वीडियोस देखते थे? हाँ। कौन दिखाता था? पापा, माही, मम्मी, पापा, माही, माही, माही दिखाती थी मेरे को। और माही दिखाती थी पापा रोज मोबाइल। और दादी आपको पैर कैसा है? देखो एक बार दोस्तों, आपको बताओ तो मेरी दादी का पैर एक बार फ्रैक्चर हो गया था। आज से कितने महीने हो गए? चार महीने पहले दादी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। आई होप दादी ठीक हो जाए जल्दी से। ओ माय गॉड, ये रोड पड़ी है, रोड दोनों तरफ रोड पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है। तो कुछ सुधार है पहले से? हाँ थोड़ा सुधार है। और अभी मेरी मम्मी सैंडविच बना रही है, आप देखो ये इतनी टेस्टी टेस्टी सैंडविच है। आपको याद होगा एक बार मैंने भी सेम ऐसे ही मसाला बनाया था एक ब्लॉग में, आपने देखा होगा, और वो सैंडविच मैंने बनाए थे। अगर आप देखोगे तो नीचे लिखा होगा, मेरा ब्लॉग होगा एक मैगी एंड सैंडविचेस ऐसे करके, तो देखना आप। उसमें भी मैंने खुद से बनाए थे और अभी मेरी मम्मी बना रही है, तो मैं ज़रा टेस्ट करके देखती हूँ कैसे हैं। यम, खुशबू बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर तो ओरिजिनल घी होता है, वहाँ पर तो घी बटर कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो सब ओरिजिनल होता है घर पर। तो बिल्लू, मैं अभी वीडियो बनाने जा ही रही थी कि मेरा कैमरा अभी चार्ज नहीं है। वो अभी देखो आप ऑरेंज लाइट चली हुई है, तो थोड़ी देर बैठती हूँ। मेरा भाई अभी यहाँ पे सैंडविच खा रहा है, इसकी चेयर में बैठ जाती हूँ, मुझे इसकी चेयर बहुत पसंद है। एलेक्सा क्या चल रहा है? ये रही आज की खबरें। आज तक के अनुसार, कोरोना संकट के बीच कोविड वैक्सीन और ऑक्सीजन के आयात पर कस्टम ड्यूटी अब नहीं लगेगी। आज तक की अगली रिपोर्ट है कि दिल्ली के व्यापारी संघ ने स्वेच्छा से 2 मई तक बाजार बंद रखने का फैसला किया है। तो अभी मैंने वीडियो बना ली है और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी दिन के 12 बज रहे हैं, ये देखिए 12 बज रहे हैं, और मुझे पापा ने चूज किया है। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, और आपके लिए मैं ऐसे ही ब्लॉग्स अब लाते रहूँगी। हेल्दी फूड खाना, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, और काढ़ा पियो। मेरी मम्मी मुझे काढ़ा पिलाते रहती है, वो पियो। टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना।